नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं In24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य, आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जांजगीर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग, दोनों की दर्दनाक मौत। शव कब्जे में लेकर रेलवे पुलिस जांच में जुटी। पत्नी से नाजायज रिश्ते के शक में भतीजे की हत्या, आरोपी फूफा हिरासत में, पुलिस जाँच में जुटी। और दीपावली के बाद कोयला कर्मियों को केंद्र की बड़ी सौगात, 10वां वेतन समझौता लागू, श्रमिक संगठनों ने फैसले पर जताई खुशी। जांजगीर चांपा जिले में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। आत्महत्या का कारण दोनों के परिजनों का इनके प्रेम को स्वीकार न करना था। घटना चांपा थाना क्षेत्र की है। जमाना हमेशा से प्यार का दुश्मन रहा है। जब जब दो प्यार करने वालों की चर्चा आम होती है, तब तब लोग उन्हें अलग करने आगे आ जाते हैं। कुछ इसी तरह का वाक्या चांपा में हुआ। घरवालों की बेरुखी से एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। पुलिस के अनुसार घोघरा नाला चांपा निवासी श्यामलाल यादव और सुमिता केवट एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन दोनों की जाति अलग है, इस वजह से घरवाले उनके खिलाफ थे। पुलिस ने बताया कि करीब 25 दिन पहले सुमिता की मां ने श्यामलाल के पिता को समझाइश भी दी थी, इसके बावजूद दोनों का प्रेम परवान चढ़ रहा था। इधर श्यामलाल और सुमिता चांपा के बेलदार पारा के पास स्थित फाटक पहुंचे और उन्होंने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही मृतक प्रेमी जोड़े के परिजन भी मौके पर पहुंचे थे। दोनों की मौत का पछतावा परिजनों के चेहरे से साफ झलक रहा था, पर यदि जीते जी दोनों के घर वाले मान जाते तो आज दोनों जिंदा होते। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा के बाद दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी तो नहीं है, एक महीने पहले उसके मम्मी आई थी उनके घर, लड़का को समझा दे रहा अपना करके। हाँ, मैं तो ड्यूटी में चला गया, उसके बाद क्या हुआ उसको मेरे को मालूम नहीं है। वही मैं ड्यूटी पीरियड में था, मेरे को मेरे पहचान वाले जाके बताया, तब मैं मेरे को जानकारी हुआ। एक महीना पहले से पता चला था कि लड़की की मम्मी आई थी, तो नहीं अभी की बात कुछ मालूम नहीं है। ऐसे तो कुछ जो हुआ चल रही है घर में, मैं भी अपना सुबह काम में जाने के लिए निकल गया था, बच्चे लोग घर में थे, लड़की भी नहीं बताया अपने अपने माँ को, ना मेरे को भी नहीं बताया। मेरे को मोहल्ला वाले बताया कि तेरा लड़की ऐसा हुआ एक्सीडेंट ट्रेन में, तो देखने आया मैं, तो देखने के बाद मैं थाना गया, पूछताछ किया अपने से बड़े लोगों को, तो ये बताया कि पहले रिपोर्ट करो, तो फिर जाकर थाना में रिपोर्ट वोट बताए। मेरा घर वाले गया था, लेकिन क्या बोला था मेरे को नहीं पता। इतना पता है कि लड़के को समझा देना बोल के बोला था मेरा घर वाले। जो है आज सुबह ही सूचना मिली कि रेलवे फाटक के पास दो लाशें जो हैं पड़ी हुई हैं करके, ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। जानकारी पूछताछ करने पर आसपास पता चला कि जो मृतक जो हैं दोनों, एक व्यक्ति है श्यामलाल केवट और दूसरी श्यामलाल है और दूसरा है सुनीता केवट। दोनों जो है प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने पर दोनों ने जो है ट्रेन के सामने कटकर आत्महत्या कर ली है। वर्तमान में इसमें दोनों मृत्यु की सूचना मिलने पर जो है मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है, एवं आगे जो है जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से जांच की जाएगी इस मार्ग पर। जी, खुद गाड़ी लेकर वो 10:15 बजे जो है घर से निकले थे और गाड़ी जो है वहाँ पर मोटरसाइकिल फाटक के पास स्टेशन पास खड़ी हुई मिली थी, तो मामला प्रथम दृष्टया खुदकुशी का ही प्रतीत हो रहा है। जी, प्रेम प्रसंग की बात को लेकर ही आ रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में 9वीं क्लास के छात्र देवेंद्र हरवंश के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के ही रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महज अपनी पत्नी से अवैध संबंध के संदेह के चलते अपने भतीजे की ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी थी। जांजगीर थाना क्षेत्र के नैला चौकी इलाके में 20 अक्टूबर को एक संदिग्ध लाश मिली थी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक का गला धारदार हथियार से रेता गया है। मर्ग कायम कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु क्राइम ब्रांच टीम द्वारा लगातार मृतक के रिश्तेदारों दोस्तों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मृतक के मकान मालिक के लड़के से जानकारी मिली कि मृतक अपने फूफा राकेश कुर्रे का मोबाइल पैसों के लेन देन के लिए मांग रहा था। टीम द्वारा जांच को इसी दिशा की ओर बढ़ाया गया
और मृतक के फूफा राकेश कुर्रे को पूछताछ हेतु तलब किया गया। पूछताछ के दौरान राकेश कुर्रे पुलिस को बरगला रहा था, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ में वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या की इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल से आरोपी की निशानदेही पर खून लगा ब्लेड, जो आरोपी वहीं फेंक आया था, जब्त कर लिया गया है और आरोपी राकेश कुर्रे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिली कि रेलवे क्रॉसिंग के उस पार रेल भुवनेश्वर कश्यप का मकान है, दुकान भी है उसकी, उसके पीछे एक खाली जमीन है जिसमें पत्थर की नींव भरी हुई है, उस पर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पाई गई है और उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस पर एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के आरोप में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एक प्रकरण 302 का पंजीबद्ध कर हम उसकी विवेचना चालू किए थे और शवपंचनामा के दौरान उस अज्ञात मृतक की पहचान देवेंद्र कुमार हरवंश के रूप में पहचान हुई, उसके पिता ने पहचान करी। वो कक्षा 9वीं विवेकानंद स्कूल जहांगीर में पढ़ाई करता था। 19 तारीख को दिवाली मनाने के लिए घर में उसे पैसे नहीं मिले तो वो यहीं आ गया जहां उसका किराए का मकान है, जहां उसके पिता माता और परिवारजन रहते हैं, तो यहीं आ गया था। और वो पूरे दिन लगभग अपने फूफा राकेश कुर्रे को फ़ोन करता रहा कि उसे पैसा चाहिए, तो उसने उसे कहा था कि पैसा देगा। अपने मित्रों से भी वो लास्ट 5 बजे तक ये बताता रहा कि मेरा फूफा अभी आने वाला है और मुझे 1000 रुपये देगा तो शाम को हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। और आरोपी से ब्लेड और उसके कपड़े जो पहने हुए था उस समय घटना समय में, ये सब बरामद कर ली गई है, उसने वहाँ स्वीकार किया। उसके ऊपर मर्डर धारा 302 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है और उसे आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके घर वाले मेरे को घर से भगा दिए थे और जो भी घर का आवश्यक सामान वामान वही लाता था, तो कहीं भी ले जाना है वो लेके चला जाता था। मैं दूर हो गया था अपने बच्चों लोग से, यही मेरे को ज़्यादा पछतावा था। साला का लड़का एक्चुअली में बुलाया वही था मेरे को पैसा चाहिए करके, लेकिन अब नशे में मौका देख करके मैं हो गया। शिक्षा कर रहा हूँ रूठिया ब्लेड्स हमारा। भाग दौड़ और आधुनिकता के चकाचौंध में खोई लोगों की दुनिया से अलग एक जिंदगी और है, जो ना जाने कितने ही रहस्यों को खुद में समेटे हुए है। हम शायद ही अपनी पूरी जिंदगी ऐसी किसी दुनिया से रूबरू हो पाएंगे। बात शमशान और वहां होने वाली हलचल की है, किस तरह अपनी सिद्धि को पूरा करने अघोरी तंत्र मंत्र की साधना करने वहां पहुंचते हैं, कैसी सिद्धि उन्हें मिलती है, कौन सी साधना उन्हें उस डरावने जगहों पर ले जाती है। देखिए INN24 की रूह कांप देने वाली ये विशेष रिपोर्ट, काली अमावस्या का स्याह सच। महा अमावस्या की स्याह रात, यम देवता भूत प्रेत भटकती आत्माओं के नाम दीपदान, तंत्र मंत्र के साधक शमशान घाट का करते हैं रुख, शमशान स्याह रात, सन्नाटा और साधना। आखिर क्यों की जाती है शमशान घाट में दीपदान, तंत्र मंत्र साधकों का रहस्य आज भी बरकरार। रात के अंधेरे में जहां रूह भी जाने से परहेज करती है, वहां का रहस्य जानना चाहेंगे आप। क्यों अमावस्या की स्याह रात में तंत्र मंत्र के साधक शमशान घाट का रुख करते हैं, आखिर शमशान घाट ही यज्ञ दीपदान के लिए क्यों चुना जाता है। ऐसी साधना का अभिप्राय क्या है, ये जानने के लिए INN24 की टीम शहर के शमशान घाट की ओर जाने वालों पर नजर रख रही थी और एक साधक पर हमारी निगाह टिक गई, जो महा अमावस्या की देर रात शमशान घाट की ओर रुक कर रहा था। शाहरात हसदेव नदी के तट के किनारे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, इसी बीच साधक तंत्र मंत्र साधन में व्यस्त हो गया।
अंधियारी रात शमशान घाट में यज्ञ और दीपदान करने पहुंचा था। साधक ने विधि विधान में साधना की और हम ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अमावस्या की देर रात दूसरे पहर में थाल में जल डालते ही वो बगैर अग्नि प्रज्वलित किए ही उबाल मारने लगा। शमशान घाट में यम देवता भूत प्रेतों के अलावा भटकती आत्माओं का वास होता है। साय साय करती सन्नाटे में साधना और यम देवता भूत प्रेतों को प्रसन्न करना दीपदान के महत्व को परिभाषित करता है। ठीक जिस स्थान पार्थिव शरीर को रखकर अग्नि के हवाले किया जाता है उसी जगह पर साधक ने साधना पूरी की। रहस्य में लिपटी दुनिया एकांत में साधक शमशान से साधना का सच चिता की रात सन्नाटा और राख में लिपटी हर वो चीज आम इंसान के मन में डर पैदा करने के लिए काफी है। पर क्या आपको पता है शमशान घाट ही सबसे पवित्र मानी जाती है क्योंकि भगवान शिव का शमशान में ही वास होता है और शिव के उपासक देश की रक्षा समेत हर एक समस्याओं का हल ढूंढने शमशान घाट को ही चुनते हैं। सर्वप्रथम तो आज महाअमावस्या है, महाकाली आज अपना खड़ग लेके पूरे ब्रह्मांड में राक्षसों का वध की थी। भूत प्रेत इत्यादि आज के दिन सबसे ज्यादा जागृत रहते हैं और जागृत अवस्था में आप उनसे जो भी कामना करोगे वो कामना आपकी सिद्ध होती है। तो मैं किसी कामना से नहीं आया था, मैं कोई सिद्धि की प्राप्ति तो करने आया था लेकिन भूत प्रेत इत्यादियों से कोई कामना मेरी नहीं थी। किंतु हाँ ये है कि जितने भी भूत प्रेत इत्यादि यहाँ जो भी शिव के गण हैं वो दीपदान करने से बहुत प्रसन्न होते हैं और आज के दिन किसी भी शमशान घाट में आप जाएंगे तो आपको आभास होगा कि हाँ उस स्थान पर कुछ है। चारों तरफ सन्नाटा, मृत आत्माओं को प्रसन्न करना, यम देवता भूत प्रेतों पिशाचों को प्रसन्न करना एक साधक के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। वो साधना पूरी करने शमशान घाट का रुख करे जहां कोई जाने की जहमत नहीं उठाता। देश की रक्षा यम देवता और भूत प्रेत पिशाचों भटकती आत्माओं को प्रसन्न करने दीपदान किया जाता है। साधना भोर होने से पहले तक होती रही और INN24 की टीम रहस्य में लिपटी दुनिया का एहसास करना चाहती रही पर ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ। ये तो साधक ही जानता है कि उसमें साधक को क्या हासिल हुआ। कोरबा में CACB पूर्व 200 मेगावाट परियोजना में ठेका श्रमिकों के साथ मजदूरी को लेकर उन्हें काम से निकाल दिए जाने का मामला सामने आया है। पत्रकारों से बात करते हुए काम से निकाल दी गई ऐसी ही 6 महिला ठेका मजदूरों ने अपने साथ हो रहे दोहरे रवैये पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि मजदूरी बढ़ाए जाने की बात कहने पर उन्हें काम से बेदखल कर दिया गया है। दूसरी तरफ शहर के नेता भी मामले को लेकर मुखर हो गए हैं। सभी पक्षों से बात की हमारे INN24 के संवाददाता ने। अब 3 महीना हो गए हमला बैठा रहे है, रेट के बारे से बोल दे हन त यहां हास्ता होई से वही दिन ले हमला बैठा रहे है। और नेतागिरी कर था कथे रेट ब कथन त और 180 देत रही से वे ना। अभी वो ठेकेदार के टेंडर खत्म हो गए, कर टेंडर चालू हो ते हमला बैठा दे नेतागिरी करा था कथे। कब का मजदूर मतलब बैठा है? अब हमारे 6 जन बैठे हैं। कब का परेशानी होते बैठा रहे? बहुत परेशानी होते।
इसमें प्रबंधन की पूरी पूरी जवाबदारी है और उसी की मिलीभगत से सब चीज किया जा रहा है, नहीं तो ठेकेदारों की इतनी बड़ी ये नहीं है कि वो मजदूरों का शोषण कर सके। यहाँ का प्रबंधन ही सारा चीज करवा रहा है। आज आप देखेंगे कहीं भी किसी को मजदूरी बराबर नहीं मिल रहा है, ना ही उनको पीएफ मिल रहा है, ना ही ESI मिल रहा है, फिर भी मजदूर अपना पसीना बहा रहा है, उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। यदि वो अपने अधिकार की बात करते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ मजदूरों के हित के लिए बैठे हुए हैं। कितने मजदूर होंगे यहाँ? 250 से 300 मजदूर जो है रुके हुए हैं। 6 बजे से सारे शिफ्ट बंद हैं और स्वेच्छा से उन्होंने अपना ये हड़ताल। हमारे छत्तीसगढ़ के 200 मेगावाट पावर प्लांट में लगातार असंगठित मजदूर, ठेका मजदूर का निरंतर शोषण किया जा रहा है, क्योंकि शासन की नियमावली के तहत उन्हें नहीं मजदूरी दी जा रही है, जबकि अकुशल श्रमिक को 325 रुपये, अर्धकुशल को 350 और कुशल को 380 रुपये, अति कुशल को 410 रुपये शासन द्वारा निर्धारित है, पर चूंकि यहाँ काम करने वाले ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है, उन्हें ये तो 150 या 180 रुपये हाजिरी दी जाती है और 200 रुपये दबा दिया जाता है। साथ ही मजदूरों का जो PF कटना चाहिए वो पूर्ण रूप से लगातार 28 दिन या 26 दिन मजदूर काम करता है, उसका PF जमा नहीं किया जाता। यहाँ पे जो CSEB का 200 मेगावाट का जो प्लांट है, इसमें कार्यरत जो ठेका श्रमिक हैं उसमें से कुछ महिलाएं हैं, जो 6 महिलाएं जिनको बिना कारण बताए प्रबंधन के द्वारा या ठेकेदार के द्वारा निकाल दिया गया। और जानकारी आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि वो महिलाएँ लगभग 15 से 17 वर्ष से इसी ठेका श्रमिक के रूप में यहाँ कार्य कर रही थी और बिना कारण बताए उनको अचानक से निकाल दिया। तो हम लोगों की मांग है, उस साथ साथ में 6 मजदूर भी हैं, उनको भी इसके पूर्व 6 मजदूरों को निकाल दिया गया। तो हम लोग का कहना सिर्फ ये है, इसमें हम लोग की मांग सिर्फ ये है कि भाई अगर मान लीजिए किसी ठेकेदार का काम खत्म होता है तब तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर ठेका कार्य जारी है उसके साथ साथ ही आप कर्मचारियों को हटा के दूसरा रख रहे हैं, कर्मचारी को निकालने के पहले उसे पूर्व में सूचना देनी होगी। और दूसरी बात कि एक कर्मचारी अगर किसी भी ठेका श्रमिक के यहाँ काम कर रहा है तो ठेकेदार बदलेगा, कार्य अगर वही है तो ठेकेदार बदलेगा लेकिन ठेका श्रमिक वही रहेंगे। तो इन दो मांगों को लेकर हम लोगों का ये प्रयास है कि कम से कम जो प्रभावित 6 महिलाएं और 6 पुरुष जो प्रभावित हैं जिनको बिना कारण के निकाल दिया गया उसको तत्काल निशर्त, और जो जितने दिन उनको हुए वेतन उनका भी नहीं मिला है उस वेतन को उनको देते हुए उनको पुनः रखा जाए। बिहार अंचल के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कोरबा के वार्ड नंबर 25 में स्थित मुख्य छठ घाट की सफाई के साथ व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय पार्षद की ओर से काम प्रारंभ कराया गया। कोरबा जैसे मिश्रित समाज वाले क्षेत्र में भारी संख्या में पूर्वांचल के लोग निवास करते हैं। यहाँ छठी मैया की आराधना के लिए भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ती है। घाट में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के मद्देनजर यहाँ पर निगम के कर्मी संसाधन उपलब्ध कराने की कवायद में जुट गए हैं। ये छठ महापर्व के उपलक्ष में साफ सफाई किया जा रहा है जो कि कल से चालू है। कल नहाए खाए, परसों खरना, नरसों जो है शाम वाला अर्घ और उसके बाद पारण सुबह वाला अर्घ, इसी के उपलक्ष में यहाँ साफ सफाई का किया जा रहा है। और यहाँ बहुत दिन से होता है छठ महापर्व, उसी के उपलक्ष में पूरा घाट का साफ सफाई किया जा रहा है। बहुत भीड़ होती है यहाँ, बहुत भीड़ होता है। पूरा कोरबा का सबसे मेन जगह यही है SCCL अपने क्षेत्र का, यहाँ हर वर्ष बहुत भीड़ होता है। अभी छठ पूजा को देखते हुए SCCL प्रबंधन द्वारा छठ घाट को इसको सफाई की जा रही है, और अभी क्योंकि छठ का महापर्व भी त्यौहार नज़दीक आने वाला है
दीपावली के तुरंत बाद केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोल कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए 10वां वेतन समझौता लागू कर दिया है। नए समझौते में कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के साथ ही उन्हें आर्थिक कवच प्रदान करने मददगार साबित होगा। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए श्रमिक नेताओं ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह समझौता विपरीत परिस्थितियों में सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत पर आधारित होगा। समझौता वार्ता में इंटक को छोड़कर एटक, सीटू, एचएमएस और बीएमएस के डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि वेतन समझौते से कर्मियों में उत्साह है। 8 लाख रुपए का इलाज सर्दी खांसी बीमारी वगैरह करेंगे। यदि कोई काफी भयंकर बीमारी हो गया लाइक कैंसर, लाइक किडनी, लाइक लीवर, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जहां भी चाहेंगे कोल इंडिया के जितने भी पैनल हॉस्पिटल हैं उस हॉस्पिटल में उनका इलाज फ्री इलाज होगा। और कितनी राशि तक का होगा यह राशि नहीं है। अभी हम लोगों ने 25 लाख का रखा है। हर एक इम्प्लाई जो सदस्य उसके होंगे उन्हें एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा और वह स्मार्ट कार्ड दिखा करके वह किसी भी पैनल हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। और इसके संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनेगा। रेस्ट डे वेजेस ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेजेस, दुगुनी पैसा मिलेगा। एक रेस्ट मिलेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ द माइंस एक्ट, कानून के अनुसार साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी। और साप्ताहिक छुट्टी के रोज जो काम करने आएंगे उन्हें दुगुनी पैसा मिलेगी। शासन की ओर से निजी ठेका खत्म करने के बाद बड़े पैमाने पर शराब दुकानों के संचालन के लिए प्लेसमेंट कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। कोरबा के पसान में भी शराब दुकान हेतु कर्मी नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब संचालक ठेकेदार कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान करने में आनाकानी कर रहा है। कर्मचारी बीते 6 माह से अपना वेतन पाने भटक रहे हैं। इन्हीं शिकायतों को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्टोरेट में अपना ज्ञापन सौंपा है। मैं पसान भट्टी में लगा हूँ 1 अप्रैल से, जिसमें से कि सिर्फ 2 महीने का मेरे को तनख्वाह मिला है और 4 महीने का तनख्वाह नहीं मिला। जब भी मैं 4 महीने से परेशान हूँ, फ़ोन लगा के अपने ठेकेदार के पास कि सर पेमेंट डाल दीजिए, तो वो हमको घुमाते रहते, जाओ देख लो अकाउंट में डल गया है, मैं डाल दिया हूँ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले डाल दिया हूँ। 4 महीने से हम लोग को ऐसी बेवकूफ़ बनाते रहे। उसके बाद लास्ट में बोलते हैं कि चलो दिवाली के समय तुम लोग का डल जाएगा पूरा पेमेंट। उसके बाद फिर दिवाली में फ़ोन किया तो बोलते हैं कि देखो ना यार डल गया है। मैं बोला सर 40 बार मैं अभी तक चेक कर लिया हूँ, अभी तक अकाउंट में आया नहीं पैसा और जो है वो कटते जा रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ। बोले मैडम हम लोग उनके भरोसे में रहे, वो हम लोग आसरा देते रहे कि डल जाएगा, कल डल जाएगा, अभी डल जाएगा, हम लोग उनके भरोसे में रहे। फिर लास्ट में जब मैं बोला कि सर अभी नहीं डला है, अब नहीं डला होगा तो क्या करूँगा, अभी जाके चेक कर ले रहा हूँ, अगर नहीं डला होगा तो क्या होगा, तो बोलते हैं फांसी लगा लेना अगर नहीं होगा तो। कौन बोला? ठेकेदार। क्या नाम ठेकेदार का? विपिन त्रिपाठी। बोलते हैं फांसी लगा लेना तो? या फिर बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा तो नौकरी छोड़ दो बोलते हैं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग 2-3 दिन से बैठे हुए हैं खाली, अभी शिकायत कर रहे थे तो बोलते हैं ओके जाओ तुम लोग काम में जाओ, अभी फोन लगा के हम लोग को बोल रहे थे। छत्तीसगढ़ विकलांग मंच ने आज जनदर्शन के दौरान कोरबा कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपते हुए शासन द्वारा प्रदेश के विकलांगों को मुहैया कराई जाने वाली 4.5 डिसमिल जमीन की मांग की है। मंच के जिला संचालक ने बताया कि वर्ष 2007 में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आजीविका के साधन के तौर पर हर निशक्त जन को जमीन दिए जाने की घोषणा हुई थी। इसी के तहत जिले के 13 विकलांगों ने भी जमीन हेतु आवेदन किया था, जिन्हें अब तक उस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। आज कलेक्टर से हमने ये मांग करने आए थे कि निशक्त जनों को भूमि आवंटन करने का शासन ने आदेश दिया है 2007 में। तो इससे पहले पूर्व जो कलेक्टर थे उनको आवेदन दिया गया था, तो आवेदन दिया गया था तो रिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है बोल के किसी भी निशक्त जनों को जो है आवंटन नहीं किया गया, उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। तो फिर से हम कलेक्टर से मांग करने आए हैं कि जो 13 निशक्त जो आवेदन किए थे उनको जमीन उपलब्ध करा करके भूमि का आवंटन करवाया जाए, शासन का लाभ दिया जाए। भूमि मिलने से आप लोगों को कितना लाभ होगा, क्या क्या सुविधाएं मिल जाएंगी आप लोगों को? इसमें देखिए विकलांगों को तो सुविधा का लाभ इसमें ये मिलेगा कि कम से कम 4.5 डिसमिल जमीन विकलांगों को मिलेगा, तो कम से कम उसमें घर बना सकते हैं, अपने रहने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, तो ये फायदा मिलेगा विकलांग। कोरबा के खरमोरा वार्ड में 7 साल पहले 6 लाख की लागत से बना सामुदायिक भवन आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अलग अलग उद्देश्यों से कभी उपयोग में लिए जाने वाले सामुदायिक भवन की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो चुकी है।
पूर्व पार्षद ने बताया कि शादी और अन्य सामाजिक कार्यों में यह भवन लोगों का सहारा हुआ करता था, लेकिन मौजूदा पार्षद और निगम की लगातार अनदेखी से अब भवन पूरी तरह उपयोग विहीन हो चुका है। वार्ड के लोगों ने पार्षद से मिलकर सामुदायिक भवन के कायाकल्प की गुहार लगाई है। इसमें मैं पार्षद था, उस समय बनाए महापौर जी मतलब लखनदान जी थे, उस समय बना हुआ है सवा 6 लाख 6.5 लाख के आसपास का बना हुआ है। बीच में स्थिति अच्छा था और श्रीमती अनिता यादव के कार्यकाल में इसका दोबारा रिपेयरिंग का टेंडर हुआ था 12 लाख के आसपास में, जिसके तो पूरा फ्लोरिंग वोरिंग टाइल्स दरवाजे सब लगने के लिए इसमें अपना ठेकेदार है असलम करके, वो ठेका भी लिया था, निगम सरकार भी हुआ था। इसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं निगम बताएंगे, ठेकेदार बता के काम क्यों चलने की। अभी स्थिति बहुत जर्जर है, अभी पार्षद जी हमारे उनको भी कई बार बोला गया है, वो भी अभी हाँ बोलते हैं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल उसके लिए तो बहुत जरूरी है भाई, अब सब एक तो मकान है कोई भवन नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। एक छोटा सा पंडाल बनाए आगे में, वहीं बराती बच्चा आते हैं, उसमें बहुत दिक्कत होता है। उस समय हम लोग कहता है कि भाई आज बना होता है तो सब काम होता है नहीं। बीच में हम लोग क्या है कि राती आया था बाहर मोहल्ला में, उस समय हम लोग अपने हाथ से सफाई करवा के मतलब सिलवाए लुवाए थे, लेकिन दरवाजा खिड़की नहीं है तो फिर गैया लोग घुस के फिर बर्बाद कर देते हैं। सामुदायिक भवन है यहीं का खरमोरा का, तो क्या समस्या है? समस्या तो देख ही रहे हैं आप, पूरा दिख ही रहा है यहाँ का। अब इसको काम कराना चाहिए पर करा देनी है। कितने साल हो गए इसको ऐसी हालत? मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से 6-7 साल हो ही गया होगा। कोई आता है बीच में अधिकारी अधिकारी? कोई नहीं। कितनी परेशानी होती है लोगों को कुछ जैसे सामाजिक काम होता है कि यहाँ नौधा वौधा होता था उसके लिए यहाँ रोड पूरा रोड ब्लॉक कर देते थे, उससे अच्छा यहीं होता था अगर ये खुला होता तो। पूरा जर्जर है, कुछ काम का भी नहीं है ये, यहाँ बस ऐसे रख दिए हैं इसको और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, ना मीटिंग होता है ना कुछ होता है। कम से कम इसको बना दिए तो कम से कम कुछ काम तो करवाते। किसकी गलती मानते इसको? इसके लिए पूरा प्रशासन ही ऐसी है, कुछ काम के नहीं है। कैसे काम आता अगर ये भवन बना होता सही सलामत होता तो? सही सलामत होता तो ये बहुत काम आता, इसमें बहुत सारा मतलब मीटिंग भी कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम है वो भी कर सकते हैं, सब सेटल कर सकते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। अभी किसी के यहाँ कार्यक्रम वार्यक्रम पड़ता है तो कहाँ कैसे करते हैं? सब यही रोड रोड में करते हैं, वहाँ पर वो पेड़ के किनारे बैठे रहते हैं, ये कितना काम आता अभी। लोगों की उनकी मौलिक ज़रूरतों को पूरा करने के दावे और वादे उस वक्त खोखले नजर आए जब हमारे रिपोर्टर ने कोरबा के अटल आवास के लोगों की बदहाली को कैमरे पर कैद किया। देखिए पब्लिक न्यूज़ पर हमारी ये शॉर्ट रिपोर्ट। दरकते दीवार और झाड़ियों के बीच जंगल की तरह नजर आता ये कोरबा का अटल आवास है। घर देने के वादे के मुताबिक इन्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। 11 साल पहले बना अटल आवास आज इस कदर मुसीबतों से घिरा है कि लोग अब घर छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। अटल आवास के बाशिंदे बताते हैं कि तमाम चुनावी वादों के बावजूद यहां आज तक ना ही पीने का पानी मुहैया कराया जा सका है और ना ही बिजली के लिए खंभे लगाए जा सके। आलम यह है कि पीने के पानी के लिए महिलाओं को मिलों का सफर तय करना पड़ता है। यहाँ रह रहे गरीब लोगों ने बताया कि पूरे देश को रोशन करने वाला कोरबा आज उन्हें ही बिजली नहीं दे पा रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने शहर के नेताओं के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि वो अब महज नेताओं के वोट बैंक बनकर रह गए हैं। उनकी तकलीफें समझने 5 सालों तक यहाँ कोई अफसर या नेता झांकने भी नहीं आता। मैं आज 11 सालों से मेरे रहते हुए उसके बावजूद भी पानी को लोग 200-200 रुपये इसको बना के रखे हैं बोरिंग को, वो बोरिंग चालू हो गया उसके बावजूद अगर कभी भी अगर कुछ होता है तो बोरिंग को हम लोग बनवाते हैं। और लाइट जब जब चुनाव होगा तो ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, चुनाव खत्म हुआ ट्रांसफार्मर ले गए, क्या मतलब हुआ? यहाँ टंकी बनाए, क्या मतलब हुआ टंकी का? अभी चालू नहीं है। कहाँ हुआ है? तो मेरे घर के पास में पूरा पाइपलाइन बिछा है, तो भाई पाइपलाइन चालू होगा तब ना मैं नल लूँगा। तो ये पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? यही बोली ये अटल आवास खरमोरा है, यहाँ लाइट और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ जो भी पानी वानी है कुछ बोरिंग लगे हुए उनमें खारा पानी आते है, पिए वो वहाँ ले लाना पड़ते दूर से, चूना भट्टा से लाना पड़ते पिए। लाइट के भी बहुत ज़्यादा समस्या है,
लाइट में इतना मतलब डायरेक्ट हुकिंग और ये से चला थे, अगर ककरो जान चल रही थी अगर बाद ही प्रशासन पता चल रही, खम्बा लगे हुए बिजली नहीं है, प्लस बिजली के तार है भी टूट गए हैं, जो खींचे रहे इन्हें केवल तार वो है टूटे हुए पड़े हैं, यह ट्रांसफार्मर लगे हैं लेकिन ये नहीं लगे, लाइन नहीं है, नहीं जो भी है सब यही के हैं, बाहर से नहीं आते। अवैध कच्ची शराब के बिक्री की खबरें जिले समेत पूरे छत्तीसगढ़ से आती रहती है। राज्य की शराब नीति की धज्जियां उड़ाती ये खबरें सूबे के आबकारी विभाग के लिए सरदर्द बनी हुई है। आलम यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ऐसे अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लगाया जा सका है, लेकिन एनजीओ की मदद से इनसे निपटने की कोशिश को नया रूप दिया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य जिला कोरबा में कच्ची शराब एक ओर तो अवैध कारोबार का रूप ले चुका है, वही जनजातीय संस्कृति का हिस्सा होने की वजह से इस पर लगाम लगाने में विभाग को भी कई तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल आदिवासी जनों को खुद के सेवन के लिए प्रतिदिन 5 लीटर कच्ची शराब बनाने की छूट दी गई है। जनजातियों को मिला यही संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार का बेजा इस्तेमाल अब गैर जनजाति भी करने लगे हैं। हालांकि विभाग की नई कार्य योजना से इस पर लगाम लगाया जा सकेगा, इस बात की उम्मीद बढ़ गई है। महिला स्व सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों की मदद से अवैध कारोबारियों पर नकेल कसा जाएगा। जहाँ पर कि वो अपने जिन अधिकार है कि 5 लीटर उनको बनाने की छूट मिली हुई है, वो 5 लीटर बनाने और कंजप्शन उनका अधिकार है, बेचना उनका अधिकार नहीं है। अगर उस दौरान वो बेचा जाता है या इसकी आड़ में कुछ गैर जनजाति जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, इसीलिए शासन ने इसको जनता से जोड़ने के लिए, सामुदायिक सहभागिता के लिए इसमें भारत माता वाहिनी स्टार्ट किया है, ताकि भारत माता वाहिनी का जो मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को नशा के खिलाफ उनको जागृत करना कि नशा के क्या दुष्प्रभाव हैं यह बताना और उनको स्वयं ही नशा से दूर होने के लिए प्रेरित करना है, ताकि इसकी जो समस्या की जड़ ही है मुख्य रूप से वही खत्म हो जाए। इसलिए वह चाह रहे शासन का जो मुख्य उनकी मंशा है इसका यही है उद्देश्य कि लोग नशे से दूर हों। और इसके अलावा इसका एक अन्य कार्य यह भी कि अवैध जो शराब विक्रय है उसकी जानकारी देना शासन को और उसकी सहायता करना कि उसको रोकथाम। आबकारी विभाग इसमें पूरी तरह से नोडल एक अधिकारी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग और महिला बाल विकास, ये सब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता रहेंगे इनके साथ ही साथ स्व सहायता समूह और कुछ एनजीओस की भी मदद ली जाएगी, लेकिन इन सभी में समन्वय बनाने का या बिठाने का जो कार्य है वो नोडल अधिकारी के रूप में, नोडल एजेंसी के रूप में आबकारी विभाग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक बड़ी घटना उस वक्त टल गई जब संजीवनी 108 में आग लग गई। ये तो गनीमत रहा कि आग लगने के दौरान कोई मरीज अंदर मौजूद नहीं था। संजीवनी 108 के चालक और तकनीकी दल जैसे तैसे गाड़ी से उतर कर भागे और अपनी जान बचाई। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दरअसल जयजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला हॉस्पिटल जांजगीर मरीज लेकर आई संजीवनी 108 में वापस लौटने के दौरान हसदेव नदी पर स्थित गेमन पुल के ऊपर पहुंचते ही आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। घटना पुल के बीच में होने की वजह से दोनों छोर पर यातायात बाधित हो गया, जिसकी वजह से दमकल वाहन के पहुंचने में भी विलंब लगा। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर संजीवनी 108 पूरी तरह से जल चुकी है। हम जयजयपुर यहाँ भारत वाला रिफर करी से जांजगीर, वहाँ से हम वापसी आते रहे तो गाड़ी में धुआं धुआं निकली ना बुनट भर ले तो खोल के देखें तो शॉर्ट सर्किट हो रही शादी में, फिर उधर मतलब बुझाए बुझाए कोशिश करे मैं तो नहीं बुझी सो लग गया आग। मामले की सूचना मिलने पर पता चला कि वहाँ पर मौके पर पहुँचा गया। मौके पर पहुँचने के पश्चात यहाँ गाड़ी 108 थी जो जांजगीर तरफ से आ रही थी। जांजगीर तरफ से आने के पश्चात इसके ड्राइवर अरुण साहू ने बताया कि सेल्फ के नीचे जो वायरिंग होती है उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गाड़ी में आग लग गई करके, जिसको बुझाने का प्रयास उसने वहाँ पर आसपास के दुकानों से बाल्टी में पानी लाकर बुझाने का प्रयास भी किया, इसके पश्चात पीछे भी आग लग गई और कुल मिलाकर जो उसने बताया शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, किंतु मामले में आगजनी कायम कर इस पर जांच की जाएगी। कटे कल्याण एरिया कमेटी के 4 नक्सलवादियों को गिरफ्तार करने में दंतेवाड़ा पुलिस ने सफलता हासिल की है। एरिया कमेटी के कमांडर हुंगा के साथ क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले इन 4 नक्सलियों पर मोखपाल में सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग लगाने, ग्रामीणों के साथ मारपीट करने, सड़कों को क्षतिग्रस्त कर मार्ग अवरुद्ध करने जैसे अपराध दर्ज हैं। पुलिस छानबीन कर रही है कि ये 4 और कौन कौन से संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं। पकड़े गए 4 माओवादियों ने बताया कि पुलिस और
फोर्स का दबाव बढ़ने से माओवादियों तक हथियार गोला बारूद की आपूर्ति रुक गई है। परिणाम स्वरूप नक्सलवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। सीआरपीएफ 195 के संयुक्त कार्रवाई द्वारा 4 माओवादी मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किए हैं वाकुंडा थाने से। ये चारों काफी समय से नक्सलियों के लिए काम कर रहे थे। इसमें बामन मंडावी है, इसके खिलाफ में 2010 में 2 स्थाई वारंट और 2012 में 1 स्थाई वारंट और 2016 में 1 आगजनी के प्रकरण में पहले से वांटेड था। इसके अलावा 3 जो है सन्नू कवासी, जोगा कर्टामी और आयता मंडावी, इन लोग 20-2-2017 को मुक्पा जरीपारा में पुल निर्माण में लगे मिक्सर मशीन को आगजनी किए थे, उस घटना में शामिल रहे। सर इनमें कोई इनामी भी नहीं? जनमिलिशिया सदस्य हैं, जिन सरकार के पॉलिसी के अनुसार कमांडर पर इनाम रहता है, उनको भी सदस्य हैं, उनके ऊपर कोई इनाम नहीं। उत्तर में चलाए जा रहे नक्सली एंटी ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ के जवानों ने कुआकोंडा थाना क्षेत्र के जंगलों से 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 1 नक्सली के ऊपर स्थायी वारंट भी शामिल था। गिरफ्तार नक्सली के ऊपर कई वाहनों को आगजनी करने का मामला भी दर्ज है। गिरफ्तार नक्सलियों को मुख्यालय दंतेवाड़ा लाया गया है, जहां पुलिस नक्सली की गतिविधियों की अहम जानकारी इन नक्सलियों से पूछ रही है। विजय पचौरी, INN24, दंतेवाड़ा। कोरबा में इंदिरा आवास के तहत भारी पैमाने पर गरीब जनों के लिए मकान का निर्माण कराया जा रहा है। इसी के तहत एक ग्रामीण ने अपना नाम सूचीबद्ध होने के बावजूद आवास सुविधा नहीं मिलने की शिकायत जनदर्शन के दौरान की है। प्रार्थी रमतीन बाई ने बताया कि हितग्राहियों में उनका नाम होने के बाद भी सरपंच सचिवों ने मिलकर किसी अन्य को इंदिरा आवास का आवंटन करा दिया है। रमतीन बाई ने अधिकारी से गुहार लगाते हुए इंदिरा आवास योजना के तहत मकान दिए जाने की मांग की है। इंदिरा आवास के घर निकले है, तेकर बारे से लाने आने के नाम चल रहे है और मकान बन गए और बने जी आवाज यही काला ही करते गांव के सचिव सब ओपन नाम से केटा बन गए हो ऊपर हां अब लेंटर हो ऐसे का तो अभी शिकायत कर तो का पुलिस अभी अभी दिल्ली से जमा हो कागज ला तो ठीक है कहीं से ओकर नाम एक ठन बने है रमौती ना है अमर रामतीन ना है तो जाति जाति आने आने अब वह जाति में फड़क हो पा गया है माँ सुने तमा कहीं मोर ना खिलता कैसे बनवा था गाँव के मतलब कहीं वाला नहीं करे तो कहीं सचिव सरपंच बन तो पैसा आ जाही ढंग की कर करे महीना महीना से कहा से गई और नहीं निकाली कही दे अब आप देखें क्या दिन 4 महीना हो गए बैसाख घाने के तब नहीं निकाले तो मैं कहे अब जाओ कहते महू आ रहे हैं मतलब घर के चला कहते हम अकेला। कोरबा के करतला खंड के अंतर्गत ग्राम जोगीपाली की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों से मिलकर अपने ग्राम को पूरी तरह शराब मुक्त करने की बात कही। ग्राम के सरपंच राम भरोस ने कहा कि महिलाओं के स्व सहायता समूह ने गांव के शराब से दूषित हुए माहौल को स्वच्छ करने के लिए प्रशासन से अपील की है। उन्होंने कहा कि अब गाँव शराब जैसी बुराइयों से मुक्त होकर विकास और कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। ये तो शिकायत तो नहीं है भैया, क्या है ना मेरे पंचायत की महिलाओं का एक नया सोच है कि शराब बंदी, गांव में शराब ना बने। शराब बनने से गांव में माहौल बिगड़ता है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसको रोकथाम करने के लिए ये लोग विभागीय आबकारी विभाग अधिकारी से मिलने आए थे। क्या है प्रायः प्राय अपने गाँव में 50% घर से कितनी समस्याएं बढ़ रही है क्या है ना अभी जो हमारे महिलाओं का समिति गठित हुआ है उनके बाद प्राय प्राय 20% अभी कंट्रोल हो चुका है। क्या है ना गांव में लड़ाई होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, दारू पी के घूमते रहते हैं, गांव में कोई शांति नहीं। हम चाहते हैं कि गांव में शराब ना बने और ऐसे लड़ाई झगड़ा ना हो, यही हमारा सोच है। और हम लोग का तहसील करतला पड़ता है, जिला कोरबा, और मैं शराब नशा मुक्ति के लिए यहाँ आई हूँ कलेक्टर के पास में। और मैं हम लोग का गांव बहुत अभी शराब बंद हुआ है तो बहुत सुधार हो गया है। और हम लोग का जो बच्चे लोग हैं छोटे छोटे सब बिगड़ जा रहे थे शराब
पीके और गांव में शांति नहीं थी। अभी हम लोग का गांव में 20% शांति है और हम लोग का गांव में साफ सुथराई भी हो रहा है। हम लोग जब समूह गठन किए हैं तब से और हम लोग का गांव में बहुत सा ऐसा चीज़ है कि बहुत जगह हर चीज़ में सुधार हो रहा है और उस सुधार के लिए भी हम लोग यहाँ आए। शराब बंद होना चाहिए, हम लोग का गाँव सुरक्षित रहे और लड़ाई झगड़ा जो होती थी हम लोग का गांव में वो नहीं होना चाहिए। इस वीडियो से इस बात का सबक मिलता है कि जीवन चक्र एक समान नहीं हो सकता। परिस्थितियों में ढलकर और हर छोटी बड़ी खुशियों और दुखों के साथ आगे बढ़कर ही हम इसका उपसंहार पा सकते हैं। कल की कल्पना आज के सत्य से बड़ा नहीं हो सकता। एक बार एक आदमी एक संत के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि संत जी, मेरी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं आती। सोचा था जब मेरी नौकरी लगेगी तब पिताजी को एक कार गिफ्ट करूंगा, पर यह भी ना हो पाया क्योंकि मेरी नौकरी मिलने से पहले ही उनका देहांत हो गया। सोचा था कि जब प्रमोशन मिलेगा ना तो अपने बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाऊंगा, लेकिन प्रमोशन ही नहीं हुआ। ऐसी और भी बहुत सी ऐसी खुशियां थी जिनके लिए मैं इंतजार करता रह गया, लेकिन मुझे वो कभी मिली नहीं। मुझे समझ सी नहीं आती कि क्या मुझे कभी खुशियां मिलेंगी भी या नहीं। संत उठे और उस आदमी को पास वाले गार्डन में लेके गए जहाँ एक लाइन में बहुत से गुलाब के फूल लगे हुए थे। उन्होंने उस आदमी को कहा कि एक काम करो, लाइन से ये फूल देखते जाओ और जो सबसे सुंदर फूल लगे उसको तोड़ लेना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि एक बार जिस फूल से आगे निकल गए उस पे वापस नहीं आ सकते, यानी कि तुम पीछे वापस नहीं आ सकते। और हाँ, फूल लेके आना भी जरूरी है। वो आदमी चलता गया तो उसको कुछ बड़े फूल दिखते तो कुछ छोटे। हर फूल पे पहुंच कर वो इसी सोच के साथ उसको छोड़ देता कि कहीं इससे सुंदर फूल आगे हुए तो। जब वो उस लाइन के तकरीबन एंड तक पहुंचा तब उसने देखा कि अब सिर्फ मुरझाए हुए से कुछ फूल बचे हैं और उनमें से उसको जो सबसे खिला हुआ फूल दिखा उसको तोड़कर वो अपने साथ संत जी के पास ले गया और बोला कि संत जी, मुझे रास्ते में कई बड़े और छोटे सुंदर फूल दिखे थे, लेकिन मैं इसी आस में आगे चलता गया कि कोई और सुंदर फूल मिलेगा। आगे चलता गया लेकिन एंड में सिर्फ मुरझाया हुआ सा फूल ही बचा था। तब वो संत मुस्कुराए और बोला कि बेटा, तुम सबसे सुंदर फूल की तलाश में आगे बढ़ते गए और जितने सुंदर फूल थे उनकी जगह ये मुरझाया हुआ फूल लेके आए। ये गार्डन समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, और ये फूल उस जिंदगी के सफर में आने वाली छोटी बड़ी खुशियां हैं। जैसे तुम ये सोचकर चलते गए कि आगे और सुंदर फूल मिलेगा, बाकी फूलों की खूबसूरती को नजरअंदाज करते रहे, ठीक उसी तरह जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं एक बड़ी खुशी की तलाश में, और जब तक ये समझ आता है जिंदगी निकल चुकी होती है। सो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी के साथ खुद को और आपको ये याद करवाना चाहता था कि सिर्फ मंजिल को नहीं सफर को भी एंजॉय करना है, जिंदगी की छोटी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करते चलना है, हर पल को जीना है कि जिंदगी गुलजार रहे और खुशियां फूलों की तरह महकती रहें। उलझनों को सुलझाते चलो, खुशियों को फैलाते चलो, जिंदगी एक सफर है, मुस्कुराकर कदम बढ़ाते चलो। आइए एक नजर डालते हैं देश की सराफा बाजार पर। आइए देखते हैं देश के चुनिंदा शहरों के मौसम के मिजाज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार।